बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा इन दिनों फिल्मों को लेकर बहुत एक्साइटेड नजर आई। नए साल पर फिल्म शबक के प्रीमियर पर दीपिका को बधाइयां देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए रेखा को देखा गया था, जिसके बाद हाल ही में रेखा को जानवी कपूर पर प्यार लुटाते हुए मनीष मल्होत्रा के बांद्रा वाले पैड पर स्पॉट किया गया। अब हम यहां आपको बताना चाहेंगे जो रेखा अपने फिल्मी सितारों के साथ बॉन्ड को लेकर हमेशा तारीफों में रही हैं। वो रेखा कभी मिस्टर परफेक्शनिस्ट के साथ भी अपने स्वीट बॉन्ड को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। एक वक्त ऐसा था जब आमिर खान की फिल्म दंगल को देखने के बाद रेखा इमोशनल होकर उन्हें हैंड रिटन लेटर भेजकर उनके लिए ढेरों सारे प्यार और शुभकामनाएं के साथ उन्हें प्यार देकर रिश्ते से राज उठाती नजर आई थी। रेखा आमिर खान की फैन बन गई थी दंगल फिल्म देखने के बाद, ये उनका कहना था। आमिर ने उनके हैंड रिटन लेटर को पढ़ने के बाद अपने आंखों में आने वाले आंसू को रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन वो इमोशनल होने से खुद को नहीं रोक पाए थे। खुद आमिर ने उस लेटर का खुलासा किया था। वेल, ये वही आमिर खान है जिनके पिता रेखा के साथ जब एक फिल्म कर रहे थे, आमिर का खुलासा था कि वो रेखा के साथ क्यों काम नहीं कर पाए, क्योंकि रेखा अनटाइमली आती थी और उन्हें ऐसे स्टार्स के साथ काम करने में दिक्कत होती जो कि रूटीन को फॉलो नहीं करते। वैसे तो रेखा उसे आमिर खान के सामने सुर शिका झुकाकर उनके एक्टिंग की जबरदस्त तारीफ करने में इमोशनल भी हो गई थी, जो कि अपनी गाड़ी से स्पेशली दंगल के स्क्रीनिंग के मौके पर सफेद साड़ी में उन्हें बधाइयां देने के लिए पहुंची थी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।